हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका नेम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, क्या होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाया गया है बुक में आपके। एसिड्स वर डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग सोर। ठीक है, तो एसिड जो है वो सोर वर्ड से है। सोर मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप टेस्ट करते हो और आपको उसका स्वाद, उसका टेस्ट खट्टा लगता है, तो डेफिनेटली वो या तो एसिड है या उसमें एसिड मिक्स है। ठीक है, तो ये आपका बहुत सिंपल सा एक मतलब था। अब आते हैं बेस के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स मेक अप अ ग्रुप कॉल्ड बेस। ठीक है, तो कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब कोई मेटल है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर जब वो OH के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब भी मेटेलिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जब बनाता है कोई भी, तो उसे हम बेस कहते हैं। और यहाँ बेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि देखिए जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है जिंक ऑक्साइड, ये हमारा एक बेस है। ठीक है, ऐसे ही हमारा लेड ऑक्साइड, ये भी बेस है। देखिए OH के साथ ये हमारा सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी हमारा बेस है, और ये हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा बेस है। ठीक है, अच्छा थर्ड थिंग है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट रिजल्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ अ करिस्पॉन्डिंग एसिड बाय अ मेटेलिक आयन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन आयन को कोई मेटेलिक आयन रिप्लेस कर दे रहा है और वहाँ पे खुद आ जा रहा है। ठीक है, तो फिर जो रिजल्ट मिलेगा हमको, उसको हम सॉल्ट कहेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। जैसे ठीक है, जैसे NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और HCl ठीक है ये हमारा एसिड है। तो किसी भी एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करे कौन, कोई मेटल। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करिस्पॉन्डिंग एसिड, किसी एसिड में जो हाइड्रोजन आयन है उसको रिप्लेस किया जाए किसके थ्रू, एक मेटेलिक आयन के थ्रू। तो ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिड है, उसमें जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस कौन करे, कोई मेटल करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगा, Na जो है ये H को रिप्लेस कर खुला जाएगा, और हो जाएगा NaCl, और प्लस ये जो एच है इसको एच के साथ मिक्स करके हो जाएगा H2O। ठीक है, तो और NaCl क्या है हमारा, सॉल्ट है। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। तो सॉल्ट का जो है एक और डिफिनेशन आता है कि जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही हमको मिलता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, हम आते हैं इसके सिंपल डेफिनेशन की तरफ। एसिड बेस एंड एल्कलीज। सॉल्ट के बारे में इस चैप्टर में लास्ट में बताया गया, सबसे पहले ज्यादातर बात हुई है एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, और भी एल्कलीज क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, ध्यान से देखिए। एसिड इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये इसका रियल डिफिनेशन है, ऊपर जो बताया था वो खट्टा होता है, जो भी होता है वो तो बस ऐसे ही था। ठीक है, जब भी हम एसिड को पानी में घोलते हैं, ठीक है पानी में घोलते हैं, तो वो H+ आयन रिलीज करता है, समझना ध्यान से। जब भी एसिड वही होता है जिसको हम पानी में घोल दें, तो वो हमेशा H+ आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, H3O+ को भी कहते हैं, H+ को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, HCl है हमारा, ये हमारा एक एसिड है, एक्वस लिखा, एक्यू लिखा मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मतलब HCl को पानी में घोल दिया गया है। कभी एक्यू लिखा रहेगा ना, इसका मतलब उसको पानी में घोल दिया गया है। तो HCl को पानी में घोल दिया गया, इसने क्या दिया, H+Cl-, मतलब ये अपने आयन्स में टूट चुका है। ठीक है, अब ये H+ क्योंकि पानी में घुला हुआ है, तो ये H+ फिर से पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, समझो वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया, और इसने बनाया H3O2। H2 था एक बार, इसमें क्या H3 हो गया, H3O+, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हम H+ को भी बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब जब भी HCl पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये टूट जाएगा H3O+ और Cl- में। ठीक है,
और ये रिवर्स भी होता है, मतलब ये मिलता रहेगा, फिर ये बनेगा, फिर से ये बनेगा, दोनों होता रहेगा। तो जब भी कोई कंपाउंड इस तरह का बिहेवियर दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेसिस के ऊपर। बेस इज अ कंपाउंड विच रिएक्ट विथ हाइड्रोनियम आयन ऑफ एन एसिड। तो बेस वो कंपाउंड होता है जो किसी एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है। अब कहोगे सर एसिड में कहाँ होता है, एसिड तो पानी से मिलता है तब बनता है हाइड्रोनियम आयन। मैंने बताया ना कि हाइड्रोनियम आयन मतलब एच प्लस होता है, दोनों होता है, ये भी होता है ये भी होता है। तो बेस वो कंपाउंड है जो किसी एसिड के एच प्लस के साथ, या कह सकते हो उसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड है, ये बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CuCl2, क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। समझ में आ गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो HCl के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, मतलब H को यहाँ से निकाल दिया, समझ में आ गया। और Cu जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर दिया, और वो जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बन गया, पानी बन गया। और यहाँ पे आपका ये इसे बोलते हैं कॉपर डाइक्लोराइड, समझ में आया, ये कॉपर डाइक्लोराइड आपका बन गया, ये इस तरह का सॉल्ट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड है और वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर बन गया आपका CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये आपका वाटर बन गया। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पे इसने इसके हाइड्रोन के साथ, या कह सकते हैं इसके हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके उसको अलग कर दिया और वाटर में फॉर्म कर दिया, और जो बचा वो एक सॉल्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे दिया भी था ना कि जब वो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कोई भी कंपाउंड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर दे, क्या फॉर्म कर दे, सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, बेसेस आर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल इंक्लूडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसेस जो होते हैं उनको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि वो अक्सर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं किसी भी मेटल के। देखो CuO कॉपर ऑक्साइड, लास्ट में अगर O आ रहा है या OH आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं बेस है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखो लास्ट में O आ रहा है तो क्या है, बेस। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, लास्ट में O आ रहा है तो क्या है, बेस। ठीक है, अच्छा मेटल के साथ आ रहा है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल इंक्लूडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं NH4OH, देखो लास्ट में OH आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे NH4 जो है वो मेटल तो नहीं है, बट फिर भी इसको भी हम बेस कहेंगे। ठीक है, तो बेस का एक सिंपल सा समझने का तरीका ये भी है कि अगर कोई मेटल है और किसी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ दिख रहा है आपको तो उसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, एसिड जितने भी होते हैं ना वो सब के सब सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सारे के सारे बेस सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है, कुछ ही बेस हैं जो सॉल्युबल होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। इस बात को ध्यान समझना, एल्कली जो है वो टाइप ऑफ बेस ही है, एल्कली वो बेस है जो वाटर में सॉल्युबल है, और जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, इनसॉल्युबल है, उनको बेस ही कहते हैं, नॉर्मल बेस। एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्युबल बेस नॉट एल्कलीज, ठीक है, एल्कलीज नहीं, वो कौन कौन से हैं, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सारे ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं एल्कली पर। एल्कली आप समझ गए होंगे, एल्कली एंड एल्कली इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर यील्ड्स हाइड्रोक्सिल ऑयल। हाँ, अब देखो ये पानी में घुल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था एसिड के साथ, एसिड जो है ये पानी में घुल जाता था तो एच प्लस आयन को रिलीज करता था। एल्कली भी तरह का बेस है, ये पानी में घुल जाता है, ये ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है, तो ये जब पानी में घुलता है तो हमेशा OH माइनस को रिलीज करता है। जैसे ये एच प्लस को रिलीज कर रहा था, एच प्लस को रिलीज कर रहा था, ये OH माइनस को, जैसे NaOH ये एक बेस है, ये पानी में घुलेगा, एक प्लस सूत्र बनाया इसका, ये Na प्लस OH माइनस, OH माइनस रिलीज कर रहा है, इस OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आया, तो कोई भी ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए उसे एल्कली कहते हैं, और जब एल्कली पानी में घुलता है तो हमेशा OH माइनस रिलीज करता है। एल्कली इज द बेस सॉल्युबल इन वाटर, ऑल एल्कलीज आर बेस, समझ में आ रहा है, बट ऑल द बेसिस नॉट एल्कलीज, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल बेसिस या एल्कलीज,
यहाँ पर ये के ओ एच है, एन ए ओ एच है, इसको मिश्रा अल्कली भी कहते हैं, सी ओ एच फोर ट्वाइस, एन एस फोर ओ एच है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।